नमस्ते दोस्तों, आज देवर किचन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी घर पे बिल्कुल अलग तरीके से सूजी का नाश्ता कैसे बना सकते हैं उसकी विधि बताऊंगी। तो दोस्तों अब तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी वीडियोज होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सूजी का नाश्ता बनाने के लिए ये मैंने सूजी ली, सबसे पहले सूजी तो 200 ग्राम मैंने सूजी ली है। ये मैंने लिया है एक बड़ा साइज़ का प्याज कटा हुआ, ये मैंने 2 से 3 मिर्ची ली है कटी हुई, और ये मैंने लिया है 100 ग्राम दही। तो सबसे पहले हम सूजी का पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सूजी का बैटर बनाएंगे। तो ये मैंने प्लेट लिया, प्लेट में सबसे पहले हम सूजी ऐड करेंगे, सूजी को डालेंगे। अब इसमें करेंगे प्याज ऐड, अब हरी मिर्चों को ऐड करेंगे, और अब करेंगे इसमें 2.5 चम्मच दही ऐड। ये खट्टा जो दही होता है वो मैंने लिया इस टाइम। और अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। तो अजवाइन मैंने 1 चम्मच लिया, आप देख सकते हैं। अजवाइन को हम थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से करेंगे और फिर अजवाइन को भी ऐड करेंगे। तो इसमें अच्छी तरीके से दही मिक्स हो चुका है। तो जो 1 ग्लास मैंने छोटा ग्लास पानी का लिया, तो इसको ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ ऐड नहीं करना, नहीं तो गीला हो जाएगा पेस्ट। और अब इसको मिक्स करेंगे। तो ब्याडन लकी तैयार हो चुका है, इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे फूलने के लिए। तो इसको ढककर रखेंगे। तो इसको 10 मिनट हो चुके हैं, तब इसको चेक कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा फूल चुकी है। तो इस तरीके का हमको बैटर चाहिए। तो अब इसका थोड़ा सा सूजी का बैटर लेंगे और बाकी सूजी के बैटर को रख देंगे और इस तरीके से इसको गोल करेंगे। और अब मैंने यहाँ पे लिया है सूखी सूजी, तो इसमें थोड़ा सा सूखी सूजी को ऊपर से इस तरीके से कर देंगे, जिससे आराम से हम अपने सूजी के बैटर को बेल सके बिल्कुल पराठे की शेप में। आप गोल भी कर सकते हैं, इसको ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो इस टाइम हम गोल ही रखेंगे इसको, सूजी के बैटर को। तब इसको बेलना स्टार्ट कर लेंगे। तो ये बेल चुका है, तो अब इसको हम तवे के ऊपर डालेंगे। तो अभी मैंने लिया है तवा, तो तवे के ऊपर हम थोड़ा सा घी ग्रीस करेंगे पहले। और इस नाश्ते को आप हो सके तो घी में ही बनाएं तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा, वैसे ऑयल में भी आप बना सकते हैं। तब इसको डाल देंगे हम पेस्ट जो हम लोगों ने बेला था, तो इसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया। तब इसको सेकेंगे। तो अभी फर्स्ट लेयर से सिक्ची का है, तो इसको पलट लेंगे और सेकेंड लेयर से भी इसको सेक लेंगे और सभी नाश्ते को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा रहता है नाश्ता। तो हमारी सिंपल तरीके से नाश्ता बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।